वेल हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं थोड़ा एकदम केओटिक या बोल सकते कि एक लास्ट मोमेंट में ग्लो अप ट्राई कर रही हूँ मैं। आजकल मैं फ्यू डेज से यू नो मार्केट जा रही थी, बाहर जा रही थी टू बाय टू शॉप। घर में पूजा भी है तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग एंड ऑल किया एज़ यूजुअल, जैसे हम सब करते हैं। बट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन कि मैं अपना स्किन का केयर उतना नहीं ले पा रही थी फॉर दोज फ्यू डेज। एट द सेम टाइम धूप में निकल रही हूँ, सन टैन हो रहा है, पॉल्यूशन इतना है कि डस्ट हो रहा है। तो जो चीज़ मैंने शायद पहले किया था 1 वीक अगो, उसका इफेक्ट भी मुझे लगा कि वो मतलब स्लोली स्लोली इट हैज़ रिड्यूस। तो आई थॉट कि मेरे पास डर्माडॉक का ये फेशियल किट था विच आई परचेज योर, इट इज़ रिटन फॉर डार्क स्पॉट रिडक्शन फेशियल किट करके। इट कंटेन्स विथ नियासिनमाइड एंड सोडियम एसॉर्बिक एसिड एंड इट्स नेट वेट इज़ अराउंड 36 ग्राम। और इसके पैकेजिंग में लिखा है कि फेड्स डार्क स्पॉट्स, इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, ट्रीट हाइपर पिगमेंटेशन, हेल्प ट्रीट अन इवन स्किन टोन। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव मैंशन इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स। एंड मुझे ऐसा था कि मैं लास्ट मोमेंट में यू नो एक लास्ट मिनट ग्लो अप चाहिए था मुझे, तो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम आई विल गिव यू माई ऑनेस्ट रिव्यू कि मुझे ये प्रोडक्ट कितना काम किया या कैसे ये मुझे यू नो फील हुआ यूज़ करके। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। एनी हाउ आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू कि ये इस तरीके के सैशेज में आता है, लाइक ये 5 सैशेज है दैट यू गेट इन दिस टीनी टाइनी बॉक्स। तो यहाँ पर ये सैशेज हैं, तो आई थिंक इट्स अ वन टाइम यूज़ प्रोडक्ट, नॉट मोर देन दैट। आप इसे आई डोंट थिंक सो कि दो बार यूज़ कर पाएंगे, बट या दो जन यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। तो यहाँ पर क्वांटिटी मुझे कुछ अच्छी दिख रही है, तो लेट्स सी। बट आई थिंक ये 2 पर्सन एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट नो, बिकॉज कई प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं गाइस कि आप ना ऐसे सैशेज में रहते एंड इफ़ यू कीप इट तो वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं या उसका टेक्स्चर बदल जाता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स और स्पेशली दोज प्रोडक्ट्स विच यू गेट इन अ सैशे, आई प्रिफर कि आप यू नो वन टाइम में यूज़ करके यू जस्ट यूज़ इट ऑफ इंस्टेड ऑफ जस्ट यू नो कीपिंग इट असाइड। तो वो उसका टेक्स्चर भी चेंज कर देता है एंड देन वो इफेक्ट भी वैसे नहीं देता एज फार एज आई फील, बिकॉज देर आर यू नो फ्यू वॉट यू से फ्यू एलिमेंट्स आई गेस सो बोल सकते हैं, जो फ्यू इंग्रेडिएंट्स और द इंग्रेडिएंट्स ही बोल सकते हैं हम लोग, तो जो इंग्रेडिएंट्स कई बार यूज़ होते हैं ऐसे सैशेज में वो मतलब वेपराइज हो जाते हैं। तो आई फील इट कि मुझे तो लगता है कि कुछ थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो आई प्रिफर दिस काइंड ऑफ सैशेज टू बी यूज इन अ वन गो। तो यहाँ पर 5 सैशे है एंड इसमें क्लेंजर है, स्क्रब है, देन देर इज़ अ क्रीम, पील ऑफ मास्क, बस ये सारे टोनर है। तो या सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट स्टेप बाय स्टेप एंड अलॉन्ग दी वे आई विल जस्ट गिव यू माई रिव्यूज़ एज वेल, एक एक इंडिविजुअल यू नो स्टेप्स के भी कि कैसे मुझे फील हो रहा है। सो दिस इज़ द क्लिनजर, आई डोंट नो कितना आप लोग को दिख रहा है, दिस इज़ द क्लिनजर गाइज, ये क्लिनजर है एंड वाओ गाइज वाओ, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी आई मस्ट से। एंड ये एकदम ट्रांसपेरेंट है गाइज, एकदम ट्रांसपेरेंट और जेल बेस्ड है, ये एकदम जेल बेस्ड क्लिनजर है एंड इट्स वेरी वेरी यू नो ट्रांसपेरेंट है एकदम, बिल्कुल भी कलर नहीं है। एंड खुशबू हो माई गॉड, इसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी है, आई मीन रियली वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। उसको क्लिंस कर ले रही सर्कुलर मोशन में, वाइप ऑफ, वाइप कर ले रही हूँ। ऑल्सो गाइज इसमें कोई झाग नहीं निकला, लाइक मुझे कोई फोम नहीं मिला, इट वॉज जस्ट प्लेन। तो जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो लाइक अ फेस वॉश नहीं था ये। यू ऑल टेल मी गाइस, कुछ डिफरेंस देखा आप लोग को? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्क्रब, सेकेंड स्टेप है ये फेशियल का। तो आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट द स्क्रब। स्क्रब की स्मेल, जो स्क्रब की खुशबू है ना, इट्स वेरी वेरी कोकोनटी, खाने का मन कर रहा है। इवन द टेक्स्चर गाइस, इट्स लाइक दिस, छोटी छोटी वाइट कलर की क्रीम है एंड इन दिस यू गेट ग्रीन काइंड ऑफ यू नो स्मॉल पार्टिकल्स है इसमें। ओके, जैसे स्क्रब को होना चाहिए वैसा ही है, इट्स जस्ट कि इसकी जो ग्रैनुअल्स है आप बोल सकते हैं, इट्स नॉट दैट वेरी थिक
बहुत ज़्यादा इसका जो ग्रैनुअल्स है ना वो ज़्यादा करोस नहीं है, तो आई थिंक इट्स गुड। लेट्स सी कैसे काम करता है। टेकिंग लिटिल बिट ऑफ वाटर इन माई हैंड एंड दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल अबाउट द स्क्रब गाइस। बहुत ही ज़्यादा स्मूद है ये, लाइक अगर आप वाटर के साथ मिक्स करके लगा रहे हो तो बहुत ईजीली ये मतलब यू नो ग्लाइड हो जाएगा आपके स्किन पे एज यू कैन सी। तो बहुत मुझे अच्छा लगा स्क्रब ये इसका। आई लव द स्क्रब गाइस, मुझे स्क्रब बहुत अच्छा लगा एंड इट्स डूइंग इट्स जॉब ऑफ क्लीनिंग एज वेल। लाइक ये बहुत स्मूथली यू नो ग्लाइड हो जा रहा है। थोड़ा सा डैम वाटर के साथ यूज़ कीजिए वेन एवर यू आर यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रब गाइस। थोड़ा डैम कर लीजिए फेस को भी, थोड़े हाथ में भी ले लीजिए वाटर को सो दैट इट ग्लाइड्स। सो आफ्टर क्लेंजिंग यू कैन सी मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छे से क्लीन किया है स्क्रब ने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट और द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ टोनर। यहाँ पर स्टेप 3 है। आई लव कि यहाँ पर यू नो बहुत ईजीली दे हैव यू नो रिटन 3-2, तो बहुत ईजी पड़ जाएगा टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट कौन सा स्टेप है टोनर। एंड इसकी खुशबू गाइस आई एम टेलिंग यू ऑल बहुत ही खुशबू बहुत ही प्यारी है। इनफैक्ट जो टोनर है ना वो भी बहुत ही जेल बेस्ड टोनर है। इट्स अ ट्रांसपेरेंट जेल है बस, ये इस तरीके का कुछ आई होप यू ऑल कैन सी। तो इट्स अ वेरी जेल बेस्ड टोनर एंड बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मुझे बहुत ऐसा ठंडा ठंडा फीलिंग आ रहा लगा के, तो रियली नाइस। एंड खुशबू तो क्या ही कहने, लाइक रियली नाइस। द सेंट इज़ वेरी गुड। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइज। लाइक आप अगर इफ़ यू आर यूजिंग इट तो आपको बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आएगी। लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा या आपको हेडेक नहीं होगा। इट्स अ वेरी स्वीट सेंट, तो बहुत ही प्यारी खुशबू है गाइस। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस ऑल ओवर माई फेस। इट्स अ टोनर एंड यहाँ पर लिखा है कि आई डोंट नीड टू रिमूव इट। लाइक मैं इसको एब्जॉर्ब करने दे रही हूँ अपने स्किन पर। आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट ड्राई, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए स्किन पर देन मोर देन अनाउ। खाली एक ही चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी कि सैशे तो है बट प्लीज़ गाइज डोंट थ्रो अवे दिस बॉक्स, बिकॉज यहाँ पर बॉक्स में इन्होंने स्टेप्स मैंशन किया। यहाँ पर जस्ट एक यू नो 3 करके सिर्फ टोनर लिख दिया। सो इफ यू हैव टू रिंस इट ऑफ कि इसको रखना है, दैट इज़ ऑल रिटन इन दिस डिस्क्रिप्शन। ये जो बॉक्स है इसके पीछे स्टेप्स सारे मैंशंस हैं। तो यहाँ पर टोनर के इसमें लिखा है कि मसाज करना है ये टोनर को आफ्टर अप्लाइंग इट 2-3 टाइम्स एंड देन आई नीड टू वाइप इट ऑफ इफ़ एक्सेस यू नो टोनर है तो। बट इसको मसाज करने बोला है तो आई एम जस्ट गोइंग टू जेंटली मसाज इट। ये बहुत ही ज़्यादा जेल बेस्ड है एंड एज अ टोनर ही है। लाइक स्लोली स्लोली बहुत ही अच्छे वे से एब्जॉर्ब हो जाए हो चुका है इनफैक्ट मेरे स्किन में। सो द फोर्थ स्टेप, जो कि फोर्थ स्टेप है जो हम लोग करेंगे वो है क्रीम। यहाँ पर क्रीम लिखा है एंड द फोर्थ स्टेप इज़ मैंशन। तो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेप। इसकी भी खुशबू बहुत ही प्यारी है, वेरी गुड। थोड़ा थिक है इसका जो क्रीम है ना और इसका जो टेक्सचर है ये थोड़ा थिक है एज अ क्रीम। तो इट्स नॉट वेरी यू नो ईजीली ग्लाइड तो नहीं होगा, थोड़ा सा थिक लग रहा है ये मुझे। जस्ट गोइंग टू अप्लाई, जस्ट जेंटली मुझे इसको यू नो मसाज करना है अपने स्किन पे। अगर कुछ एक्सेस क्रीम है ना तो उसको वाइप ऑफ कर देना है। तो लेट्स सी अगर ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया ना मेरे तो आई डोंट नीड टू वाइप इट ऑफ, बट अगर नहीं हुआ सपोजिटली देन आई विल जस्ट वाइप द स्क्रीम ऑफ एज वेल। बट ये मुझे थोड़ा सा क्रीम का टेक्सचर ना मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है गाइस। लाइक आई एम नॉट फीलिंग इट कि क्या ये इट्स अ फेशियल क्रीम और नॉर्मल क्रीम जो फेशियल ख़त्म होने के बाद लगाने पड़ रहे हैं। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि ये किस लिए लोग ने ये क्रीम को दिया है। स्किन में तो इज एब्जॉर्ब हो चुका है गाइस। थोड़ा सा मुझे क्रीम का टेक्सचर यू नो क्रीम जैसा नहीं लगा, थोड़ा थिक लगा मुझे। नाइस एंड द लास्ट स्टेप गाइस, जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ द पील ऑफ मास्क नंबर 5। इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं एकदम क्रीम बेस है। पील ऑफ मास्क आप देख सकते हैं थोड़ा ऐसा फेविकॉली जैसा लग रहा है मुझे।
स्ट्रेंज, इसकी खुशबू भी मुझे फेविकॉल जैसी खुशबू लग रही है गाइस। ओह गॉड स्ट्रेंज या टेक्सचर भी फेविकॉल की जैसा चिप 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 चिप। पील ऑफ मास्क है ये, तो आई थिंक हो ही सकता है, बट खुशबू भी इसकी मुझे ना फेविकॉल जैसी ही लग रही है। लेट्स सी कैसे ये फील होता है। तो गाइस जो इसका जो पील ऑफ मास्क था ना, मुझे इसका टेक्सचर उतना पसंद नहीं आया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा चिप 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 चिपा है एंड इट्स वेरी हार्ड टू अप्लाई ऑल्सो। लाइक मेरे को कन्वीनियंट नहीं लगा इसको यूज़ करने में पील ऑफ मास्क को, बट ऐसे मैंने पूरे फेस में लगा दियो। इट्स गिविंग मी लाइक मैंने फेविकॉल ही लगाया। स्ट्रेंजली इसकी खुशबू भी एकदम फेविकॉल जैसी है। तो लेट्स सी देखते हैं ये ड्राई होने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइस इसको थोड़ा ना ड्राई होने के लिए ना थोड़ा टाइम लग रहा था, लाइक ये कुछ अच्छा खासा 15-20 मिनट्स लिया है टू ड्राई इट अप। आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ड्राई हो गया। नाउ ये डिस्क्रिप्शन या इसके ऊपर लिखा था कि ये एक पील ऑफ मास्क है, तो मैं ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि ये अगर पील होता है कि नहीं। नाउ लेट्स सी कि ये पील होता है कि नहीं। यस गाइस इट्स पीलिंग ऑफ। तो ये इस तरीके से पील हो रहा। मैंने इसका जो है ना एकदम थिक लेयर नहीं लगाया था, लाइक मैंने इसका एकदम थिन लेयर लगाया था। यू कैन सी पील हो जा रहा। तो गाइस ये अच्छे से पील हो जा रहा है, तो लेट मी जस्ट पील इट ऑफ। तो गाइस मैंने पूरे फेस को क्लीन कर लियो बिकॉज कई बाजू मैंने जो पील ऑफ मास्क जो लगाया था ना वो कई जगह एकदम थिन हो गया था। तो मेरा एक टिप रहेगा कि आप लोग जब भी यूज़ करें ना तो थोड़ा एज अ थिक लेयर यूज़ करना ताकि वो पील ऑफ होने के लिए बहुत इजी हो जाए। और मैंने कई जगह पे थिन लगाया था तो वो निकल नहीं रहा था। मैंने क्या किया, मैंने डैम क्लॉथ से उसको वापस से क्लीन किया तो वो क्लीन हो गया। एंड देन मैं जस्ट एक जस्ट वाटर से स्प्लैश करके पूरे फेस को और थोड़ा धोकर मैं आई हूँ। आई हैव जस्ट यू नो अप्लाइड अ लाइट टिंटेड ऑफ लिप टिंट और यू कैन से अ लिपस्टिक, थोड़ा लाइट कलर का मैंने लगाई हूँ। मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था विदाउट एनी लिपस्टिक ऑन माई लिप्स, बट मैंने मेरे स्किन पे एज यू कैन सी मैंने कुछ भी नहीं लगाया। लाइक मैंने जस्ट वॉश कर लियो वो भी प्लेन वाटर से एंड आफ्टर द फेशियल यू कैन सी द डिफरेंस। आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा यू नो क्लीन कर लिया ये पूरे मेरे फोरहेड को एंड फुल मेरे फेस एंड नेक को। तो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। अगर चटपट में यू नो इमीडिएट बेसिस में एट होम इफ़ यू वांट टू गो और इफ़ यू वांट टू डू अ फेशियल देन आई वुड सजेस्ट टू परचेज दिस प्रोडक्ट। डर्माडॉक का है ये, गुड ब्रांड डर्माडॉक। आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट विथ नियासिनमाइड एंड एसॉर्बिक एसिड विच इज़ नथिंग बट विटामिन सी। एसॉर्बिक एसिड इज़ नथिंग बट विटामिन सी गाइज। तो रियली रियली लव दिस प्रोडक्ट। इट्स पैराबेन फ्री, इट्स एनी यू नो फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स एंड फ्री फ्रॉम क्रुएल्टी फ्री है। व्हाट एल्स डू वी नीड। एंड द प्राइसिंग योर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था, लाइक यहाँ पर MRP लिखी थी ये बॉक्स में पैकेज में, बट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसका एग्जैक्ट प्राइस। बट मैंने पर्पल से डिस्काउंट में कुछ 120-128 का लिया था एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली पर्पल और दूसरे सारे अदर वेबसाइट्स में इसके ऊपर डिस्काउंट चलते ही रहता है। तो यू ऑल कैन चेक इट आउट। इट्स शुडन्ट कॉस्ट यू मोर देन यू नो 130 रुपीज़। तो ये 128 to 150 के रेंज का ही है ये। 28 मैंने पे किया तो 128 रुपीज़ में इट्स अ वेरी गुड फेशियल किट। तो आई एंड इट्स वेरी सिंपल, कोई एकदम हार्ड फॉर एकदम ऐसा कुछ हैवी स्टेप्स नहीं है। इट्स वेरी सिंपल वेरी इजी। देर आर ओनली 5 स्टेप्स, दैट इज़ फर्स्ट इज क्लिनजर, सेकेंड इज स्क्रबिंग, थर्ड इज टोनर, फोर्थ इज क्रीम एंड द फिफ्थ पार्ट इज़ द पील ऑफ मास्क। तो दैट आई फाइंड क्वाइट यू नो सिंपल रखा है तो दैट आई लव। सेकेंडली दे हैव यू नो स्टेप्स यहाँ पर बॉक्स में लिखे हुए हैं, तो इफ़ यू आर फाइंडिंग इट एनीथिंग यू नो सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे बॉक्स के, तो आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने स्टेप्स की हूँ, लाइक मैंने हर एक स्टेप्स में आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि हाउ टू यूज़ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट इफ़ यू पर्सनली अगर मैं बात करूँ लाइक कितना मैं इसे नंबर दूंगी, तो आउट ऑफ 10 आई वुड गिव इट एन 8।
मुझे इसका इफेक्ट दिख रहा है एंड आई कैन सी द डिफरेंस कि हाँ मुझे फेस मेरा क्लीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद एक फेशियल की हूँ. तो आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, सो गिव इट एन 8. मेरा बिगेस्ट नंबर वुड स्टिल बी नियोलियर का पपाया फेशियल किट. इफ़ यू ऑल कैन फाइंड इट आउट या आपको आपके एरिया में मिल रहा है अवेलेबल, देन यू ऑल शुड ट्राई दैट प्रोडक्ट एज वेल. मैंने उसका भी रिव्यू दी हूँ. इट्स अ वेरी गुड फेशियल किट एंड क्वाइट अफोर्डेबल, लाइक क्वान्टिटी वाइज एंड एवरीथिंग. और ऑल्सो येस गाइज, इसका नेट वेट टोटल इंक्लूडिंग ऑल द 5 पैकेट इज नेट वेट इज 36 ग्राम. सो नॉट बैड, गुड क्वान्टिटी, ट्वाइस हो जाएगा, 2 बार आप लोग इसे यूज़ कर पाएंगे. तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीचों में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी एक हेल्प हो जाए, हमारी एक कम्युनिटी बने. स्लोली स्लोली आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू स्किन केयर. सून आई एम गोइंग टू गिव अ रिव्यू अबाउट एल्ब्स फेशियल किट एंड नेचर्स का सीरम. तो स्टे ट्यून फॉर दोज टू वीडियोज़ एज वेल. टिल देन, लव यू ऑल, बाय.